अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2.1 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के सब टॉपिक्स को. लास्ट हमने जो है वो कवर किए थे 6 सब टॉपिक्स और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 7 टॉपिक दैट इज यूनिट वेक्टर्स. अब यूनिट वेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं उसको जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपको मैंने लास्ट जो है वो लेक्चर्स में एक बात बताई थी कि जब भी हम वेक्टर्स को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं तो वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो पॉसिबल चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, जिसमें से एक था सूटेबल स्केल. सूटेबल स्केल जो है वो जब भी हम किसी वेक्टर के लिए चूज करते हैं तो वो हमें बताता है किसके बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में. ठीक है, और दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे स्टडी की थी वो थी हमारे पास डायरेक्शन इंडिकेटर. ठीक है, तो डायरेक्शन इंडिकेटर का क्या काम होता था, नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्शन इंडिकेटर हमें बताएगा डायरेक्शन के बारे में, जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि वेक्टर्स एक ऐसी क्वांटिटी हैं जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड भी एक्सप्लेन करना पड़ता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी जो है वो एक्सप्लेन करनी पड़ती है. तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन इंडिकेटर को बनाएं तो ये हमें क्या बताता है, दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. अगर हम जो है वो इन चारों में से किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर लें, सपोज कि मैंने जो वेक्टर ड्रॉ किया वो ईस्ट की तरफ था. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है उसकी डायरेक्शन मैंने क्या बता दी कि ईस्टवर्ड है. इसी तरह हम जो है वो वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्थवर्ड भी. ठीक है, सेम इसी तरह साउथ की तरफ भी कर सकते हैं और वेस्ट की तरफ भी हम जो है वो वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं. तो मैंने चारों पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली चार तरह के वेक्टर्स जो हैं वो ड्रॉ कर दिए. अब अगर मैं ये कहूँ कि इन तमाम के तमाम चारों वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड हैं वो 1 के इक्वल है. ठीक है, इन तमाम वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, तो ये तमाम वेक्टर्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे यूनिट वेक्टर्स. तो अब यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं. यूनिट वेक्टर्स इस टाइप के वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल होता है. मैग्नीट्यूड मतलब इनकी ये जो लेंथ हमने यहाँ पर ड्रॉ की है ये इसके मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करती है बाय प्रॉपर सूटेबल स्केल के थ्रू. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा. और ये वेक्टर जो है ये हमें जो है वो डायरेक्शन के बारे में जो है वो सिर्फ बता रहे होते हैं, वेदर ये जो है वो ईस्ट में भी हो सकते हैं, ये नॉर्थ में भी हो सकते हैं, ये साउथ में भी हो सकते हैं और ये वेस्ट की तरफ भी जो है वो हो सकते हैं. तो ये तमाम वेक्टर्स जो हैं जिनके मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है उनको जब हम एक खास डायरेक्शन के अलोंग ड्रॉ करते हैं तो ये सिर्फ हमें जो है वो डायरेक्शन की जो है वो इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर्स जो है वो इनका नाम दे देते हैं. अब हम ये देखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स को बेसिकली हम किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, यानी यूनिट वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन का प्रॉपर वे जो है वो क्या होगा. तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज कर लें कि हमारे पास एक वेक्टर है ए जो कि एक यूनिट वेक्टर है और हमें बताना है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसके लिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी. तो हम क्या करते हैं, हम इस ए के ऊपर एक हैट या फिर आप ये कह लें एक कैप का साइन जो है वो पुट कर देते हैं लाइक दिस. तो ये अब क्या बन गया, ये एक यूनिट वेक्टर बन गया. सेम इसी तरह अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि स्मॉल ए जो है वो मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है तो उसको भी मैं क्या करूँगी, उस पर भी या तो मैं कैप डाल दूंगी या फिर हैट जो है वो प्लेस कर दूंगी, तो ये क्या बन जाएगा, ए कैप. इस तरीके से जो है वो हम यूनिट वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकते हैं. अब अगर हमें यूनिट वेक्टर के जो है वो फॉर्मूला को डिस्कस करना है कि एक यूनिट वेक्टर हमने एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो है वो ड्रॉ किया, लाइक ये हमने एक यूनिट वेक्टर एक खास डायरेक्शन में जो है वो ड्रॉ कर दिया और इसका फॉर्मूला जो है वो मुझे देखना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के जो है वो ये चीज़ इक्वल आ जाती है. ठीक है, तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जो ए यूनिट वेक्टर है किसी भी एक खास डायरेक्शन के अंदर उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये इक्वल होगा ओरिजिनल वेक्टर के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. ये जो साइन है इसको हम मॉड्यूलस साइन कहते हैं. जब भी हम इस क्वांटिटी को यानी ए को जो है वो इस मॉड्यूलस में प्लेस करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने ए वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड बता दिया यहाँ पे.
ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास यहाँ पे इसका जो है वो फॉर्मूला आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हम यूनिट वेक्टर को अपनी डेली लाइफ में जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम इसकी एग्जाम्पल्स एंड इम्पॉर्टेंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इम्पॉर्टेंस डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमने ये बात लास्ट लेक्चर्स में स्टडी की थी कि आपको जब भी वेक्टर को एक्सप्लेन करना होता है तो वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे एक बेटर सिस्टम है, जो सबसे एक बेस्ट किस्म का सिस्टम है, वो सिस्टम था हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंडर रहते हुए हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे अब देख लेते हैं, हम कोई से दो एक्सिस जो हैं वो चूज़ कर लेते हैं या हम तीन एक्सिस चूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में कहा था कि हमने जो है वो अगर थ्री डायमेंशनल एक्सिस चूज़ किए हैं, लाइक दिस इज़ वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस टाइप का जो हमारा पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, इसको इन शॉर्ट हम जो है वो स्पेस का नाम दे देते थे। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो स्पेस को एक्सप्लेन करने के लिहाज से। तो इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी वेक्टर के लिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और ये बताते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, तो जब भी हमने जो है वो एक्स डायरेक्शन को यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को जो है वो इंडिकेट करना होगा, तो यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे और इस यूनिट वेक्टर को हम नाम दे देंगे जे का। ठीक है, सेम इसी तरह जब हमने स्पेस में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होगा तो इस यूनिट वेक्टर को हम नाम दे देंगे आई कैप का। ठीक है, और सेम इसी तरह अगर हमें स्पेस में जेड एक्सिस की डायरेक्शन को इंडिकेट करना है तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर को नाम दे देंगे के कैप का। ठीक है, तो यहां से पता क्या चला, एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर है हमारा आई कैप, y एक्सिस के लिए हमारा यूनिट वेक्टर होगा j कैप और z एक्सिस के लिए हमारा यूनिट वेक्टर होगा k कैप। तो यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वजह ये है कि स्पेस या फिर आप प्लेन जब भी कंसिडर करते हैं तो ये आपको आपके x, y, z जो एक्सिस होते हैं उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शंस के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। अब अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर्स की एग्जाम्पल्स के बारे में, तो यहाँ हम उसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या होंगी, यूनिट वेक्टर जो है वो कौन सा वेक्टर है, ये डायरेक्शन इंडिकेटर वेक्टर है, यानी ऐसा वेक्टर है जो कि आपको डायरेक्शन के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो अगर यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है ठीक है, जिसको मैंने कह दिया ये मेरा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, सपोज कि ये आर वेक्टर है जिसको मैंने कहा पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है, ये आपको किसी भी खास पॉइंट की पोजीशन को जो है वो एक ओरिजिन के लिहाज से एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया जो कि ओरिजिन के हिसाब से एक खास पार्टिकल या फिर पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट करता है। तो इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे जो कि इस पूरे वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ पे आर कैप हमारे पास क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अब इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल ले लें कि ये आपके पास कोई भी एक सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया ले लिया आपने, इस सरफेस एरिया के ऊपर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब है कि एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो आपने ड्रॉ की है। अब आप ये जानना चाहते हो कि आपने ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए भी आप क्या यूज करोगे, उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए आप यूज करोगे यूनिट वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर को कहते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी सरफेस के ऊपर ड्रॉ किए जाने वाले नॉर्मल की डायरेक्शन को जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर्स का टॉपिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नल वेक्टर्स की तरफ। नल वेक्टर्स जो हैं वो किस टाइप के वेक्टर्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे। नंबर 8, नंबर
बेसिकली सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नल वेक्टर का मतलब क्या होता है. नल वेक्टर का बेसिकली मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड बिल्कुल जीरो के इक्वल आ जाए. ठीक है, अब इसके एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ ब्रीफली, तो क्या कंसिडर कर लें आप, एक जो है वो कार कंसिडर कर लें. ठीक है, एज्यूम करें कि ये जो कार है वो किसी रॉड पे मूव कर रही है और इसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. अब आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसकी वेलोसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, उसकी एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो के इक्वल हो जाती है. और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहाँ पे हमने कहा कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर था वो जीरो के इक्वल है. तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो के इक्वल है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन इस केस में है वो क्या है, एक नल वेक्टर है. ठीक है, इसी तरह अगर हम जो है वो नल वेक्टर्स को मज़ीद एलैबोरेट करना चाहें तो इसके एग्जांपल आप यूँ ले लें कि एक वेक्टर है आपके पास ए, और ये वेक्टर जो है ये आपका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो लाई कर रहा है. यहाँ पे आपका जो है वो पॉजिटिव एक्सिस होता है और जो जीरो से बिल्कुल लेफ्टवर्ड साइड होती है वहाँ पर क्या होता है, आपका बिल्कुल नेगेटिव साइड होती है. और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा. अब एक हमने वेक्टर लिया ए जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था और दूसरा एक और वेक्टर लिया ए जो कि हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में था. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस ए को हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो है वो सिंपली पॉजिटिव ए है. ठीक है, जबकि हम देख रहे हैं कि इस ए के हिसाब से, इस वेक्टर के हिसाब से जो सेकंड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है. इसका मतलब है कि ये वेक्टर इस वेक्टर के लिए एक नेगेटिव वेक्टर है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस ए की फॉर्म में. तो जब हम इन दोनों वेक्टर्स को आपस में एडअप करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस माइनस ए इज इक्वलेंट टू जीरो. तो हमारे पास दो वेक्टर्स को ऐड करने से रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आया, जो कि बता रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है. और ऐसे वेक्टर को हम सिंपली क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर को हम नल वेक्टर का जो है वो नाम दे देते हैं. तो यहाँ से पता चलता है कि नल वेक्टर्स वो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल जीरो के इक्वल होगा. और इनकी डायरेक्शन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, हम ये कहते हैं कि ये वेक्टर्स अगर इनका मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो डायरेक्शन जानना तो बहुत ज़्यादा अननोन काम है. तो सिंपली हम ये कहते हैं कि ये वेक्टर्स इमेजिनरी वेक्टर्स होते हैं, इमेजिनरी वेक्टर्स होते हैं और इनकी डायरेक्शन बिल्कुल आर्बिट्रेरी होती है. आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होने का मतलब क्या है, जिसका हम स्पेसिफिकली कोई आइडिया ना लगा सके कि वेदर जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है या जेड एक्सिस में है. तो ऐसी डायरेक्शन को हम कहते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. और इन शॉर्ट हमारे जो यूनिट हमारे सिंपली नल वेक्टर्स होते हैं वो रियलिटी बेस्ड वेक्टर्स नहीं होते हैं, इनको हम सिंपली इमेजिनरी वेक्टर्स जो है वो कह सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इन इक्वल वेक्टर्स. तो इक्वल वेक्टर्स को स्टडी करते हैं. नंबर है हमारे पास ये नाइन्थ इक्वल वेक्टर्स. अब नाम से क्या पता चल रहा है कि दो ऐसे वेक्टर्स होंगे जो कि बिल्कुल इक्वल होंगे. तो उन टाइप उस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं. अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कि मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ए वेक्टर है. ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी इसकी जो लेंथ है, प्रॉपर स्केलिंग के थ्रू मैंने कह दिया कि इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर्स के इक्वल. ठीक है, और डायरेक्शन इंडिकेटर के थ्रू मैंने ये बात जो है वो जज की कि ये अगर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ईस्टवर्ड. तो इसकी डायरेक्शन क्या है, हमारे पास ईस्ट की तरफ है. फिर मैंने एक दूसरा वेक्टर और कंसिडर किया. सपोज ये वेक्टर मैंने कंसिडर कर लिया, इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर का. अब इसकी जो लेंथ है वो भी सेम जो है वो ए वेक्टर की ही लेंथ के इक्वल है. मीन्स प्रॉपर स्केलिंग के थ्रू मैंने इसको भी कहा कि ये 2 सेंटीमीटर्स के इक्वल है. और आपको पता चल रहा है कि यहाँ से इसकी डायरेक्शन भी क्या है, एग्जैक्टली ईस्टवर्ड है. तो ये दोनों वेक्टर्स में आप देख सकते हो कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है.
ठीक है, और साथ ही साथ इनकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, सेम आ रही है. तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम सिंपली क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट जो है वो याद रखना पड़ेगा, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस तो बिल्कुल सेम हो, लेकिन ये चांस होता है कि अगर ए वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो बी वेक्टर थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट हो जाए, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. इस चीज़ को हमने मद्देनजर नहीं रखना कि वेदर ए वेक्टर जो है वो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और बी वेक्टर की इनिशियल पोजीशन क्या थी. इनिशियल पोजीशन दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी डिस्प्लेस हो सकती हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए. इस केस में हम वेक्टर्स को सिंपली क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स का जो है वो नाम दे देते हैं. तो नेक्स्ट इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स पर क्या होंगे, वो सिंपली इक्वल वेक्टर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एक और एग्जाम्पल लूँ, मैंने दो वेक्टर्स ड्रॉ किए, ये ए है और ये बी है, जिनका दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है, साथ ही साथ इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो ये ऐसे वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं और इनको हम जो है वो इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं. मगर इस पॉइंट को आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना, ये सिचुएशन भी बिल्कुल ठीक है और ये सिचुएशन भी बिल्कुल ठीक है कि आप इनिशियल पोजीशन सेम भी रख सकते हो और इनिशियल पोजीशन थोड़ी सी डिस्प्लेस करके भी जो है वो चूज कर सकते हो. तो ये थे हमारे पास इक्वल वेक्टर्स. नेक्स्ट जो है वो इसी के जो है वो रिमेनिंग टॉपिक्स को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे.